बिल्कुल. एंड आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट पेस बॉलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और बट वी आर प्लेइंग इन श्रीलंका एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. और हमारे पास आइडियली प्लेइंग 11 में सिर्फ प्लेइंग 11 पे आएंगे बट दो स्पिनर है जो दोज आर लुकिंग लाइक दे आर गोइंग टू प्ले, जडेजा एंड कुलदीप, एंड वी हैव जस्ट एन अक्षर पटेल. तो डू यू थिंक वी लैक, वी आर वेरी थिन ऑन स्पिन डिपार्टमेंट. एक रिस्ट स्पिनर लेके जा रहे हैं, फिंगर स्पिनर ड्यू से मुश्किल होगी, फिंगर स्पिनर्स को मार भी पड़ती है इवन दो दे आर लेफ्ट आर्म. सो यू थिंक इंडिया इज अ बिट थिन ऑन स्पिन वैरायटी, टू बी प्रिसाइज विद द क्वेश्चन. आई वुड से कि यू नो, हाँ ऑफ कोर्स, आपको हमेशा कभी कभी सिलेक्शंस दिमाग में ये रख के भी करनी चाहिए कि आप कहाँ खेलने जा रहे हो, कौन से स्टेडियम में, वहाँ की पिच कंडीशंस कैसी हो सकती है, वेदर कंडीशंस कैसी हो सकती है, आपको वो कैसे फेवर कर सकती है. जैसे मैंने एक बार फिर से, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से जिक्र कर रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बड़े हैं तो पिचेस काफ़ी ग्रीन है, तो वहाँ पे पेस बॉलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, पर एशियन रीजन्स आर मोर स्पिन फ्रेंडली. तो अब मैनेजमेंट, इंडिया की मैनेजमेंट क्या सोच रही थी, उनके थॉट प्रोसेस पे आई एम नोबडी टू कमेंट, वो इट्स इट्स अ कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल मैटर विद इन देम. पर मुझे लगता है कि दे कुड हैव प्रोबेबली ऑप्टेड फॉर अनदर स्पिन ऑप्शन. आई वुड से कुलदीप यादव तो डेफिनेटली हमारे चाइनामैन बोलर रहे हैं. अक्षर पटेल हैज बीन एक्सट्रीमली फ्रूटफुल फॉर अस टेस्ट क्रिकेट में, तो उन्होंने अपना जलवा दिखाया ही है, और एक बहुत ही क्वालिटी ऑलराउंडर के तौर पे इंडिया उनको यूज कर सकती है क्योंकि बैटिंग बहुत बढ़िया जानते हैं वो. लाइक नंबर 5 पे, नंबर 6 पे अगर उनको भेजा जाए, लाइक एक सिचुएशन अगर ऐसा आता है, आपने जिक्र किया जडेजा का, रविंद्र जडेजा का, रविंद्र जडेजा भी एक बहुत ही बढ़िया दर्जे के ऑलराउंडर है. तो जस्ट फर्ज कीजिए कि बैटिंग की सिचुएशन ऐसी है या बॉलिंग की सिचुएशन ऐसी है जहां पे इंडियन टीम बहुत स्ट्रेटेजिकली जडेजा और अक्षर को एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट में यूज कर रही है या ऑल्टरनेटिव ओवर्स में यूज कर रही है, तो आप समझ सकते हैं. और हम सब जानते हैं कि जडेजा के पास वो एक स्पेशल टैलेंट है कि वो किस प्रकार से वो वेब्स को स्पिन कर सकते हैं. ही इज ऑलवेज थिंकिंग. एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव भी बीच में है. लाइक यू नो, हाउ कैन वी नॉट रिमेंबर दैट एक्सिलेंट डिलीवरी बैक इन द 2019 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान, बाबर आजम को जो उन्होंने बिल्कुल डिसमिस की थी, लाइक बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, इट डिडंट टेक अ सेकंड फॉर द एक्सपर्ट्स. लाइक पाकिस्तान का एक बैटर आउट हुआ है एंड द यस्टरडे लेजेंड्स इन वसीम अकरम कुडंट यू नो होल्ड ऑन टू देयर एक्साइटमेंट कि क्या डिलीवरी थी वो कुलदीप यादव द्वारा. तो देर इज नो डर्थ इन द टैलेंट. बट या कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई थिंक एक और प्रोबेबली बैकअप के तौर पे एक स्पिन ऑप्शन रख सकते थे, प्रोबेबली इन युजवेंद्र चहल मे बी. चलो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑल टुगेदर, बट वेल लेट्स रिस्पेक्ट द डिसीजन टेकन बाय द इंडियन मैनेजमेंट.